एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज की इस नई वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू के ऑडिशन ट्यूटोरियल फॉर 2023, जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है पी नेशन एंटरटेनमेंट। पी नेशन एंटरटेनमेंट के इस केओ ऑडिशन का नाम है 2023 पी नेशन सेंटर ऑडिशन ऑफ अगस्त मंथ। इस केओ ऑडिशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ऑडिशन का पीरियड, ऑडिशन की क्वालिफिकेशंस, ऑडिशन का टाइम और डेट, सभी चीज़ें बताऊंगी। साथ में आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई और रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ सभी डिटेल्स, तो वीडियो को आखिर तक जरूर दिखेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नया आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और साथ ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मदद कीजिए। और साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपकमिंग के ऑडिशन के अपडेट्स, रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ बीटीएस के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट भी बना रखी है के ऑडिशन ट्यूटोरियल्स में, आपको सारी के ऑडिशन मिल जाएंगे। उसके साथ के ऑडिशन टिप्स में वो वीडियोज़ है जो आपको हेल्पफुल होंगी के ऑडिशन को पास करने में। और साथ ही एक प्लेलिस्ट है 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशन, उसमें जितनी भी वीडियोज़ है उस के ऑडिशन के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप अवेलेबल हो, आपको लगता है आप प्रिपेयर है के ऑडिशन देने के लिए, तो आप उन सभी वीडियोस को देखकर आप किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 24/7। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, और जब आपको लगता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर है के ऑडिशन देने के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। के ऑडिशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस की जरूरत है, तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल जयडीयू पर आपको के ऑडिशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑडिशन के ट्यूटोरियल्स देती हूं। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपको के ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका के आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक लाइव चैट मैं ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके, ताकि आप जल्द से अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनके जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से अप्लाई करना होता है, क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो सभी लोग इसलिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे, बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केओ ऑडिशन का पास करने में और आपके केओ आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑडिशन देने से पहले आपको उस कंपनी और उसके आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो हु इज़ पी नेशन एंटरटेनमेंट? पी नेशन एंटरटेनमेंट एक साउथ कोरियन रिकॉर्ड लेबल और एक एंटरटेनमेंट एजेंसी है। अगर बात की जाए फाउंडर की, तो पी नेशन एंटरटेनमेंट के फाउंडर है PSY, और PSY खुद एक सिंगर और प्रोड्यूसर दोनों हैं। और बात की जाए पी नेशन एंटरटेनमेंट को फाउंड किया गया था 29 अक्टूबर 2018 को। और रही बात आर्टिस्ट की, तो ग्रुप्स में देखा जाए तो TNX जो है उनका प्रेजेंट में 2022 में किया गया था डेब्यू, और अभी तक एक्टिव है। अगर बात की जाए सोलोइस्ट की, तो उसमें है PSY, क्रश, हीज, पिनोमेको, स्विंग्स, ये सब जो है सोलोइस्ट हैं, जिन्होंने 2019, 2020 और 2021 में कंटिन्यूसली इन्होंने डेब्यू किया है और ये अभी भी एक्टिव हैं। अगर बात की जाए ट्रेनीज की, तो किम दोंग ह्यून और तनाका को की, इनको 2021 में इन लोगों ने ट्रेनीज बने थे और अभी भी ट्रेनीज बने हुए हैं। और ये सब चीज़ों की बात हो गई पी नेशन एंटरटेनमेंट के बारे में। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि पी नेशन एंटरटेनमेंट को कंसिडर किया जाता है बेस्ट कंपनी, क्योंकि वो अपने ट्रेनीज और अपने आइडल्स को बहुत अच्छा ट्रीट करती है, तो इस कंपनी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। जो कंपनी अपने ट्रेनीज और आइडल्स को अच्छा ट्रीट करती है, तो आपको उन कंपनी के लिए ऑडिशन देना चाहिए। तो देर किस बात की है,
चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पी नेशन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर, जहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है इसके ऑपरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन कीजिए, उसके बाद सर्च टैब में जाकर लिखिए पी नेशन। जैसे आप पी नेशन लिखेंगे आपके सामने कुछ सर्चेज ओपन हो जाएंगी, आपको क्लिक करना है इस पी नेशन ऑडिशन पर। ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यही है पी नेशन एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट, जहाँ पर वो डालते हैं अपडेट्स अपने अपकमिंग के ऑफ ऑडिशन की। तो आप इन्हें फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए पी नेशन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अपकमिंग के ऑफ ऑडिशन के अपडेट्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी पोस्ट डाल दी है 2023 के पी नेशन सेंटर ऑडिशन फॉर अगस्त मंथ की अपडेट। यहाँ पे सभी डिटेल्स दी हुई है इसके ऑफ ऑडिशन से रिलेटेड, सभी डिटेल्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाती हूँ, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडिशन कैटेगरी ऑफ पी नेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 के बारे में। तो देखिए इस के ऑफ ऑडिशन में अप्लाई करने के लिए उन्होंने चार कैटेगरी रखी है, वोकल कैटेगरी, रैप कैटेगरी, डांस कैटेगरी और एक्टिंग कैटेगरी। तो आपको इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के लिए ही सिलेक्ट करना होगा, जिसमें भी आप बेस्ट हो उस एक कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिएगा। बट उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो डांस कैटेगरी के लिए जितने भी अप्लीकेंट्स हैं उन्हें याद रखना है कि हो सकता है कंपनी है आपको कोई गाने पे डांस करने का कह दे, तो आपको उससे प्रिपेयर होकर आना है कि अगर आपको कोई डांस करने का कहता है तो आप उसी वक्त वहाँ पर डांस कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ पी नेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जेंडर का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ही इसके ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर नेशनलिटी का भी कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आप कहीं के भी हो, इंडिया, कोरिया, चाइना, जापान, US, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं के भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसके ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि सिर्फ वही गर्ल्स और बॉयज अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म हुआ हो 2004 से लेकर 2013 के बीच में, यानी कि 2004 और 2013 भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आपको बर्थ ईयर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 तो ही आप इस के पोर्शन में अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका बर्थ ईयर यही होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको इस के पोर्शन के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्री रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ पी नेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 के बारे में। तो देखिए इस के ऑफ ऑडिशन में अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा प्री रजिस्ट्रेशन के दौरान, और प्री रजिस्ट्रेशन का पीरियड दिया गया है 1st of August को 1 PM से लेकर 10 August को 6 PM तक आप इस के ऑफ ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है लास्ट डेट का और जल्द से जल्द इस के ऑफ ऑडिशन के लिए अप्लाई कर देना है। और आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दो स्टेप्स में। पहले आपको ये करना होगा कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पोस्ट में, उसी में एक लास्ट इमेज में आपको QR कोड दिया है, आपको उस QR कोड के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए और फिर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, गूगल एप्लीकेशन फॉर्म, उसे आपको फिल कर अप्लाई करना होगा। अदरवाइज अगर आप वो स्कैन करना आपको नहीं आता है QR कोड को, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको एक लिंक दिखेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, उस लिंक पर क्लिक कर आप डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह कि जो भी एप्लीकेंट सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करने में सक्सेसफुल होंगे उन्हें नोटिफाई किया जाएगा कि उनका पार्टिसिपेंट नंबर क्या है, किस समय पर उन्हें ऑडिशन देना है और कहां पर जाकर उन्हें ऑडिशन देना है, सब कुछ आपको ईमेल में बता दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन डेट ऑफ पी नेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 के बारे में। तो देखिए अगर आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाते हैं, रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं इसके ऑडिशन के लिए, तो आपका जो ऑडिशन है वो स्केड्यूल किया गया है 13th of August को संडे, इस दिन आपका ऑडिशन दिया जाएगा। अगर आप उन 200 एप्लीकेंट में से एक है जिन्हें चूज़ किया गया है इस ऑडिशन को देने के लिए, तो आपका ऑडिशन होने वाला है 13th of August संडे को। सो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन कंटेंट ऑफ पी नेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 के बारे में। तो देखिए आपको किस तरह से अपनी ऑडिशन कैटेगरी के लिए कंटेंट तैयार करना होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली बात है अगर वोकल और या रैप कैटेगरी के लिए, तो आपको किसी भी एक गाने को प्रिपेयर करना होगा, वो आपके ऊपर है, आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए कि कोरियन चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अपना गाना प्रिपेयर करना है, ये आपके ऊपर है। बट उन्होंने इतना बता दिया है कि आपको क्या करना होगा, एक मिनट तक ही अपना जो परफॉर्मेंस है वो आपको एक मिनट के अंदर ही प्रिपेयर करना होगा। और याद रखना है किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट या आपके साथ कोई वहाँ पर गाना नहीं चाहिए, यानी कि आपको अकेले ही गाना है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए और आपको जो गाना प्रिपेयर करना है वो एक मिनट के अंदर अंदर ही प्रिपेयर करना है।
दूसरी चीज़, अगर आप एक्टिंग कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी मूवमेंट कर देना है, कोई एक्टिंग करनी है, वो भी आपको एक मिनट का ड्यूरेशन ही बताया गया है, और आपको किसी भी तरह का प्रॉप यूज़ नहीं करना है, यानी किसी भी चीज़ का आपको हेल्प नहीं लेनी है, आपको खुद ही अपना प्रिपेयर करना होगा एक मिनट का कुछ ऐसा मूवमेंट्स और कुछ ऐसी एक्टिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोटिस एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग पीनेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 के बारे में। तो देखिए, अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी आती है या किसी भी तरह की चीज़ आपको पूछना है या डाउट आता है तो आप डायरेक्टली उन्हें ईमेल भेज सकते हैं audition@pnation.com पर। आप कोई भी क्यूरी आती है उस क्वेश्चन को लिखिए और इस ईमेल पर सेंड कर दीजिए। अगर आपको ईमेल नहीं भेजना है तो आप उन्हें काकाओटॉक चैनल पर भी उन्हें मैसेज कर सकते हैं। उनके काकाओटॉक चैनल का नाम है पीनेशन ऑडिशन। तो आप काकाओटॉक ऐप ओपन करिएगा, उसमें आप सर्च करेंगे पीनेशन ऑडिशन तो आपको उनका चैनल दिख जाएगा। उस चैनल के अंदर जाकर आपको अपना क्वेश्चन लिख देना है, जो भी इंक्वायरी आपको पूछनी है वो लिखकर आपको उन्हें भेज देनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ पीनेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 के बारे में। तो देखिए, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने ऑडिशन पास कर लिया है उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर लिया जाएगा। बट चूंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, इसलिए मेरा कहना यह है कि आपको एक महीने तक वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ होती है देखने के लिए। तो इसलिए आप एक महीने तक वेट करिएगा, आपके ऑडिशन डेट के बाद से एक महीने तक आपको वेट करना चाहिए। ये सिर्फ पीनेशन एंटरटेनमेंट की बात नहीं, ये सभी कोरियन एंटरटेनमेंट एजेंसी की बात है कि आप किसी भी कंपनी के लिए अगर अप्लाई करते हो, अगर एक महीने के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट नहीं किया जाता है तो आप समझ जाएगा आपने उसके ऑपरेशन को पास नहीं किया है। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन पीनेशन सेंटर ऑडिशन इन अगस्त मंथ ऑफ 2023 से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाइव डेमो देकर देने वाली हूँ कि किस तरह से आपको पीनेशन सेंटर ऑडिशन के लिए अप्लाई करना होगा, कैसे गूगल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। Hope I answered all your questions well and that's it for today's video. I make more updates related to BTS, K-pop, K-pop tutorials, K-pop tips, life of K-pop trainee and idol and Korean entertainment videos like this. You can check out my playlist of K-pop tutorials, K-pop tips and 24/7 always open ongoing auditions and try out as many auditions as you can. And those who have queries related to video, ask me in my comment box. If you liked what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow. Also encourage me to make more updates related to BTS, K-pop, K-pop tutorials, K-pop tips, life of K-pop training and idol and Korean entertainment videos like this in the future. And also help me to complete 10,000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel JTube. Bye bye. Anybody out there hear me?